नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला और आप देख रहे हैं हरियाणा रिपब्लिक। हरियाणा रिपब्लिक अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता है। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो लाइक करिए, और यूट्यूब पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। अभी हम मौजूद हैं गांव बराना में, और हमारे साथ अभी मौजूद हैं गांव बराना के और वार्ड नंबर 17 के पार्षद। तो स्वागत है सर हरियाणा रिपब्लिक पर। नमस्कार भाई। तो सर, कितने गाँव आपके अंडर में आते हैं? मेरे अंडर 12 गाँव आते हैं। बताएंगे कौन कौन से? बराना, पलेड़ी, गढ़, सुनाई, खोतपुरा, डोली, भैंसवाड़, रजापुर, बाबरपुर, गालीबंड, बडोली, निजामपुर। तो देखिए, पार्षद है, इनके अंडर में लगभग 12 गांव आते हैं। तो सर, अब हम शुरुआत करते हैं, जो चर्चा है सबसे बड़ी जो गांव में, आप सबसे पहले आपके गांव से ही शुरू करते हैं। तो आपने अपने गांव में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं? मैंने भाई साहब अपने गांव में बहुत विकास किया। बताएंगे क्या क्या? गलियां बनाई है, नालियां बनाई है, और जो पाले बनाई है, कुछ पाले पंखे लगाए हैं, वाटर कूलर लगाए हैं, स्कूलों में बहुत अच्छा काम किया। तो जब ये जो कुछ भी विकास कार्य किए गए हैं, सबसे बड़ा जो एक मुद्दा होता है, जब तक गांव वालों का सहयोग नहीं होता है, आप कुछ भी कर लो तो आपके जो विकास कार्य नहीं माने जाते। तो गांव का सहयोग मिलता है आपे? बिल्कुल भाई साहब, मेरा गाँव बहुत अच्छा गाँव है। अच्छा गाँव है। मेरा हर एक आदमी मेरे गाँव का मेरा सहयोग करता है। तो सरपंच की तरफ से सहयोग मिलती है? बिल्कुल सहयोग मिलता है। क्या कुछ सहयोग अब तक मिला है? पंचायत का मेरे को बहुत सहयोग मिला है। कुछ भी विकास कार्य करता हूँ तो उसका एस्टिमेट वगैरह या उसके परमिशन वगैरह में पंचायत से लेनी पड़ती है। आपका कहना है कि पूरा सहयोग मिलता है सरपंच की तरफ से? बिल्कुल पूरा सहयोग मिलता है। लेकिन वहीं जब हम आपके ही गांव में कुम्हारों के चौपाल में गए, तो वहां हमें ये जब जो आप विकास कार्य कर रहे हैं वो देखने को तो नहीं मिला? विकास कार्य किस वहाँ? वहाँ पर ना लाइट थी ना सफाई थी। ये बताऊँ क्या है, जो लाइट वाला सिस्टम है ये पंचायत का होता है, क्योंकि हमारे पास का अलग से वो ग्रांट नहीं मिलता हमें। हाँ, पंचायत के पास अथॉरिटी है, पावर है, वो करा सकते हैं चीज़ को। मैंने एक दो बार सरपंच को बोला है, लेकिन वही बात, सरपंच ने शायद उसके पास भी ग्रांट नहीं होगा, इस कारण वो नहीं हो पाया। तो उनके पास ग्रांट नहीं है, जिस वजह से वो कार्य रुका पड़ा है जी। तो आप स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रहे हैं? जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में जो बच्चे होते हैं उनका खेल के प्रति ज़्यादा एक इंटरेस्ट होता है, पढ़ाई में रुचि कम होती है। लेकिन अब पढ़ाई में भी रुचि देखने को मिल रही है, हरियाणा के भी बच्चे भी अब UPSC जैसे क्लियर कर रहे हैं। तो आप खेल के लिए क्या कर रहे हैं? खेल के लिए भाई साहब मेरे गांव में ना कबड्डी कोच की व्यवस्था कराई है हमने, और बच्चों को मैट दिलाया, कबड्डी मैट दिलाया है, जो क्रिकेट के बच्चे हैं उनको क्रिकेट किट दिलाई है। कबड्डी कोच तो बता रहा था प्राइवेट है? हाँ, प्राइवेट तो है, क्या उसका जो हम इकट्ठा करके उसको पैसे देते हैं। अच्छा, पूरे मतलब गांव की तरफ से? गांव की तरफ से शुरू है, जो गांव के मेन मेन आदमी है वो अपनी तरफ से कुछ पैसे देते हैं उसको। जो कबड्डी क्रिकेट के कोच थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार शिकायत की है कि लाइट लगवाई जाए, पंखे लगवाए जाए, जो कुम्हारों की चौपाल है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। उसमें थोड़ा हाँ विकास कार्य अभी रुक रहा है वहाँ पे। एक तो मेन गेट लगना है उसका, मेन गेट लगने के बाद फिर आप देखोगे वहाँ प्रॉपर सफाई कराएंगे वहाँ की बिल्कुल, और सफाई करवाने के बाद वो पंखे मैंने वहाँ उसके लिए मेरे पास पंखे रखे हैं, लेकिन उसका जो गेट है वह सारे ही बंद है, ओपन है सारे, तो इस कारण वहाँ पंखे वगैरह नहीं लगा रहे, कहीं कोई पीछे चोरी ना हो जाए। वहीं हमें जो कुम्हारों की चौपाल थी उसके ठीक पीछे ही एक प्लाट दिखा जिसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी, वो प्लाट किसकी है? वो गाँव में ना, वो गाँव की सरकारी ज़मीन है, लगभग 2 एकड़ के आसपास। वहाँ मैंने, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहाँ मैंने पार्क का निर्माण कराना है, और मेरे पास ना लगभग 1.5 साल से 15 लाख रुपए आए हुए हैं पार्क के लिए, लेकिन कुछ शरारती तत्व है, कुछ अवैध कब्जे है वहाँ पे, और देखा होगा आपने गंदगी ज़्यादा वहाँ पे, तो वहाँ अभी मैं जल्दी वहाँ करवाऊँगा। 4.5 साल तो बीत गए, अब कब कराओगे? बस जितना भी समय मेरे पास भी पेंडिंग है मैं इसमें करा दूँगा उसमें। यानी 5 महीने अभी जो है? 5 महीने ही करा दूँगा। अगर हम 5 महीने बाद आए तो यहाँ पार्क देखने को मिलेगा? आपने वहाँ के जो अब देखे ना आपने, उसके बाद आपके मुँह से ये बात आओगी बिल्कुल, आप मैं वहाँ का कायाकल्प बदल दूँगा। वहीं हमने चौपाले भी बहुत सारी देखी हैं, लेकिन जब हम, हमारी टीम जो है हरियाणा रिपब्लिक की, हम हरिजन कॉलोनी में गए थे बराना में, तो वहाँ पर हमने एक चौपाल देखी, हरिजन चौपाल, जिसमें मैं कहूँ तो बहुत ही सुंदर वो चौपाल बनी है, पूरी टाइल्स ही टाइल्स है। तो किसने बनाया, आपने कि सरपंच ने? ओ जी, मेरे द्वारा बनाई गई है वो चौपाल। तो हमने ज़्यादातर चौपालों में देखी है बाहर टाइल्स लग जाती है लेकिन अंदर वैसा बेकार ही होता है लगभग, तो लेकिन यहाँ पर जो चौपाल थी बहुत ही सुंदर था। बस वो चौपाल ना मेरा, कई गाँवों गया मैंने देखा वहाँ के चौपाल, कोई चौपाल काफ़ी अच्छी सी बात नहीं, ये नहीं कहता वो यही अच्छी है, इससे भी चौपाल ले है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा सहयोग किया, अब मेरी चौपाल
मेरे टाइम में ही छुपाला बना है, जैसे आपके मुंह से प्रशंसा सुनने को मिल रही है, मैं लोग भी गए कुछ अच्छा काम किया है। वहीं हमें कुछ खामियां भी देखने को मिली उस चौपाल में, अब तक जो लाइट है वो नहीं है। वो सेम समस्या वही है जी, पंचायत के अंडर जाती है, लाइट का विकास करिए और शायद पंचायत के पास इसका ग्रांट नहीं है तो इस कारण ही नहीं हो रहा। जैसा कि सुनने में आता है कि आपका जो गांव है शौच मुक्त है, लेकिन कुछ ऐसी कॉलोनियां भी हैं जहां पर लोगों का कहना है कि वो खुले में शौच करते हैं। हाँ है जी, मेरे गांव में ना एक डेरा सिकलीगर है, वहां पे सरकार ने भी बहुत सहयोग किया है, वहां पे लैटरिन वगैरह बनवाई है, पंचायत ने किया, मेरे द्वारा भी मैंने काफ़ी कोशिश की है वहाँ पर, लेकिन वहाँ के लोग क्या समस्या है, वहाँ के लोग अनपढ़ है, पुराने ख्यालों के लोग हैं, तो वह बाहर जाना ही पसंद करते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके गांव बराना की, ये बराना में आपने ये कुछ विकास कार्य किए गए हैं, और बाकी जो आपके अंडर में जितने और गांव आते हैं उनमें आपने क्या कुछ किया है? भाई साहब, जिस गांव के सरपंच ने मेरे साथ मेरा सहयोग किया है तो मैंने वहां भी विकास कार्य किए हैं, खेलों का सम्मान भी दिया है। जैसे मेरे से अगला गाँव है पलेड़ी, वहाँ की पंचायत पिछले 5 साल से भंगी चल रही है, वहाँ पर भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कभी सरपंच की मैं दरखास्त दे रहा है, कभी सरपंच के खिलाफ हो जाए, तो वहाँ पे 5 साल में कोई विकास करी नहीं है, लेकिन जो उससे अगला गाँव है गढ़ सुनाई, वहाँ पे बहुत विकास करी हुई है। तो चंदौली जो गांव आपके अंडर में, चंदौली हाँ मेरे अंडर आता है, चंदौली से बबेल तक जो ये रास्ता है वो पूरा टूटा हुआ था, ये तो PWD का अंडर आता है, आपके अंडर नहीं आता, मेरे अंडर नहीं आता, इसमें तो जो हमारा स्थानीय विधायक है उसका मेन रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। तो अब आपके गाँव में कोई समस्या है? समस्या तो जी हर समय रहती है, कुछ ना कुछ समस्या रहती है। मेरे गांव में ना एक प्रजापत में गली है, उस पर वहाँ के लोगों ने मेरे को बहुत बार बोला भी है बना दिए, लेकिन वो मेरे द्वारा वही गली बनाई जाती है जो नहीं बनानी है, वो रिपेयर गली है, वो पंचायत करा सकती है उसको, लेकिन वहाँ पंचायत ने पूरा अपनी तरफ से कोशिश की, कुछ शर्त तत्व है कि इसके मकान नीचे आते हैं तो उसको बन नहीं पा रही है। तो अभी आपने बताया कि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है पार्क बनाना है, जो कुमार चौपाल के पीछे जो जगह है वहाँ पर, इसके अलावा और कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट? ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा एक प्रोजेक्ट और था, कश्यप मोहल्ला मेरा जी, वहाँ पे एक प्लाट खाली पड़ा है, पंचायती प्लाट है, हमारे भूतपूर्व सरपंच वीरेंद्र लामड़ा ने वहाँ पे एक महिला चौपाल बनाई थी जो बिल्कुल अधूरी है, वो आज तक ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी है, तो मेरी सोच थी वहाँ पे उसको तोड़वा के एक हाल बनाया जाए, लेकिन वहाँ पे मेरे जो JSDO साहब से बात की तो उन्होंने कहा भाई हम इसको तोड़वा नहीं सकते, तो इस कारण मेरा वहाँ हाल का बहुत अच्छा मेरा था, मेरे मन में है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था मेरा, वो भी मेरा अधूरा पेंडिंग रह गया है। गांव वालों की तरफ से सहयोग मिलता है कि नहीं आपको? बिल्कुल जी, मेरा गांव तो बहुत अच्छा गांव है, इतने अच्छे इंसान ही मेरे गांव के, बहुत अच्छे गांव के जी, मेरा वार्ड ही सब बहुत अच्छा है, सारा वार्ड में जो भी कुछ काम के लिए जाता हूं मेरा पूरा सहयोग होता है वहां पे। तो अब तक आपने मतलब और वार्डों में क्या कुछ खास कार्य किए हैं जो अब तक नहीं हुए थे? खास कर सबसे तो मेन समस्या गढ़ सुनाई के अंदर पानी पीने की समस्या बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे एक बस्ती है गांव से बाहर, उनको नाथ बोलते हैं नाथ, तो वहाँ पे पानी की पाइपलाइन नहीं थी, वहाँ मैंने और वहाँ के सरपंच ने मिलकर वहाँ के पाइपलाइनें बचवाई, वहाँ पानी की व्यवस्था दुरुस्त कराई हमने वहाँ पे, ये सबसे मेन काम था वहाँ का, एक मैंने कराया वहाँ पे। और एक गांव से बाहर एक उसी कॉलोनी के अंदर लाइट की समस्या थी, वहाँ पे ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट थी, सरपंच कई बार बिजली बोर्ड में गया लेकिन उनको वहाँ आश्वासन नहीं मिला है, तो एक बार मैं और सरपंच दोनों इकट्ठे गए वहाँ, हमने जाके वहाँ JSDO की वजह से बात की, तो हम 2 दिन में वहाँ ट्रांसफार्मर लगवाया वहाँ पे, अब वहाँ लाइट की व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो चुकी है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब आप खुश हैं कि इतने काम करवा दिए? बिल्कुल, काम तो देखो जी लोगों के सहयोग से हो रहे हैं, मैं तो क्या करवाने वाला था, लेकिन फिर भी अपनी तरफ कोशिश की है मैंने, जितने मेरे से बना पा उतना किया मैंने। तो देखिए अभी हमारे साथ जुड़े थे गांव बराना के पार्षद, वार्ड नंबर 17 के पार्षद मजीद बराना जी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जो पार्षद के समय है उसमें क्या कुछ कार्य किए हैं, और जो उन्होंने बताया कि उनका जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट रह गया है बाकी है अधूरा है, पार्क बनवाना है, वो जल्द ही बनवा देंगे। तो बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ, देखते रहिए हरियाणा रिपब्लिक, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।